हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए फ्रेंच बीन्स और पोटैटो फ्राई की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे हम लोग हिंदी में सेम के नाम से जानते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल को गरम करें और इस तरह से आलू और सेम को काट लें। काट कर अच्छी तरह से धो लें। अब इस ऑयल को गर्म हो जाने के बाद इसमें सरसों और जीरे का फ़ोरन दें और इसमें इस कटे हुए सेम को डालें और इसे थोड़ी देर फ्राई करने के बाद 5 मिनट तक गैस को मीडियम फ्लेम में रखते हुए ढककर पकाएं। 5 मिनट के बाद ये 20 से 30% तक कुक हो जाती है। अब एक बार इसे मिला दें। मिलाने के बाद इसमें कटे हुए आलू को डालें। अब इन दोनों को एक साथ गैस को हाई फ्लेम में रखते हुए थोड़ी देर के लिए भूनते रहें। अब इसमें 1/2 टेबल स्पून नमक को डालें, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर। इन सभी को डालने के बाद इसे थोड़ी देर के लिए भूने। थोड़ी देर तक भूनने के बाद इसे ढककर मीडियम फ्लेम में रखते हुए 5 मिनट तक कुक करें। 5 मिनट के बाद देखिए, ये सेम और आलू की भुजिया बनकर तैयार हो जाती है। अगर आपको लगे ये अभी भी कुक नहीं हुई है तो आप एक बार इसे चेक कर फिर से ढककर थोड़ी देर के लिए कुक कर ले। देखिए, ये सेम और आलू की भुजी बनकर तैयार हो गई है। अगर रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह की गर्मा गर्म और चटपटे भुजिए रोटी और पराठे के साथ खाएं और अपने आए गए मेहमानों को भी खिलाएं।